गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट पार्ट 2। 99 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? अब देखो, सबसे पहले हमने 99 का स्क्वायर निकालना है, तो हमने 99 * 99 लिख लेना है। बेस मान है 100। अब 99 से 100 से 99 कितना कम है? एक कम है, तो हमने क्या करना है, यहां पे लिखना है -1, तो यहां पे क्या आ जाएगा 98। अब हमने दो वैल्यू छोड़ देनी है। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 1, तो हमने यहां पे लिखना है 01। तो ये था 99 का स्क्वायर 9801। 99 का स्क्वायर कैसे, 97 का स्क्वायर निकालेंगे, 97 * 97 लिखेंगे। अब ये देखो बेस 100 ले रहा है, 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो हम क्या करेंगे 3 माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 94। अब लास्ट के 2 डिजिट हमने छोड़ देने हैं, तो हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 09। तो 97 का स्क्वायर क्या हो गया 9409। 92 का स्क्वायर निकालना है, तो 92 हम दो बार लिख लेंगे। अब 100 से 92 कितना कम है, 8 कम है, तो हम क्या करेंगे 8 92 से माइनस करेंगे। अब 92 से 8 गए तो कितने बचे 84, और हमने दो डिजिट की जगह छोड़ लेनी है, तो 88 का कितने होते हैं 64, तो हमने यहां पे लिख लेना है 64। तो 92 का स्क्वायर क्या होगा 8464। 95 का स्क्वायर 95 * 95 लिखेंगे, 100 से कितना कम है 5 कम है, तो हम क्या करेंगे 100 से 5 किए कम, तो 90 आ गया। अब 5 * 5 क्या होता है 25, तो ये 95 का स्क्वायर हो गया 9025। अब हमने कल जो एक शॉर्टकट किया था जिसके पीछे 5 लगा उसको स्क्वायर कैसे करते हैं, तो 5 का स्क्वायर आ गया 25। अब इसको हमने नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 90। तो आप चेक कर सकते हैं दोनों हमारे स्क्वायर जो है बराबर है। 102 का स्क्वायर कैसे करेंगे, हम सेम एज इट इज लिखेंगे। अब 100 से कितने ज्यादा है, पहले 100 से कम था, अब है 100 से ज्यादा, 100 से 102 कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो हम +2 यहां लिख लेंगे, तो इसमें 2 ऐड किए 104 आ गया। अब 2 * 2 करेंगे तो क्या आएगा 04, तो हमने 04 लिख लेना है, तो 102 का ये क्या हो गया स्क्वायर। सेम 105 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ऐसे हम लिख लेंगे। अब ये 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो हमने क्या करना है 105 में 5 ऐड कर लेने हैं, तो 110 हो गया। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 25, तो यहां पे लिख देंगे 25, तो ये किसका स्क्वायर हो गया 105 का। अब एक शॉर्टकट जो हमने पहले सीखा था, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, इसको नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 1010। तो आप चेक कर सकते हैं यहां पे भी ये जो आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट। अब हम 109 का स्क्वायर देखिए कैसे करते हैं। 109 को हमने दो बार लिख लेना है। अब ये 100 से कितने ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे इसमें 9 ऐड कर लेंगे। अब 109 में 9 ऐड किया तो क्या आ जाएगा 118। अब हमने क्या करना है 9 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाता है 81, तो हमने यहां पे लिख देना 81। तो 109 का स्क्वायर हो गया आपका 11881। अब आपने मेरे को 96 का स्क्वायर और 104 का स्क्वायर जो है वो खुद ट्रिक से पता करके कमेंट में नीचे मेंशन करना है, इससे आपको पता लगेगा कि आप स्क्वायर सीख गए हैं कि नहीं। आई होप आपको स्क्वायर की वीडियो अच्छी लगी होगी, कृपया करके लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें नई वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।